एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड में श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट बिल को लेकर घमासान चल रहा है। आज विधानसभा में पास हो सकता है विधेयक। सदन में दो घंटे हुई श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट बिल पर चर्चा। फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, कल भी हंगामा देखने को मिला था, जिसके बाद कार्यवाही जो है 3 बार स्थगित करनी पड़ी थी और आज भी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है 3 बजे तक के लिए। श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट बिल को लेकर घमासान जारी है, चर्चा इसको लेकर हुई है और आज पास हो सकता है ये विधेयक। सदन में 2 घंटे श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट बिल पर चर्चा हुई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये विधेयक आज पास हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो कार्यवाही है विधानसभा की उसको रोका गया है 3 बजे तक के लिए। आपको बता दें, लगातार तीर्थ पुरोहित इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और इस विधेयक को ना लाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। बातचीत की बात भी सामने निकल के आई थी, लेकिन फिलहाल अब जो तस्वीर निकल के आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो आज हो सकता है विधानसभा में पास। और तीर्थ पुरोहितों का विरोध जो है वो भी अपनी तरफ लगातार चल रहा है। 2 घंटे तक इस बिल पर चर्चा हुई है विधानसभा में, उसके बाद कार्यवाही 3 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित की गई है। तो ये एक अहम खबर आपको बता दें, श्राइन बोर्ड को लेकर किस तरीके से लगातार तीर्थ पुरोहित सड़कों पर नजर आए, विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आए, सीएम आवास का भी कूच किया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब अभी भी विरोध जो है वो लगातार चल रहा है। ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई थी विधानसभा के बाहर। और अब चूंकि इस पर चर्चा हो चुकी है 2 घंटे, अब ये कहा जा रहा है कि आज जो विधेयक है वो हो सकता है पास, लेकिन इसके साथ साथ तीर्थ पुरोहितों का जो विरोध है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि तीर्थ पुरोहित इस विधेयक को लेकर बात करने के मूड में भी अब नहीं है। उनका ये कहना है कि विधेयक जो है वो आना ही नहीं चाहिए, अगर ये विधेयक आता है तो ऐसे में तीर्थ पुरोहितों की पूछ कम होगी। तीर्थ पुरोहितों का ये कहना है, जो उनके अधिकार है कहीं ना कहीं वो उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है इस विधेयक के जरिए, लेकिन सरकार का एक अपना अलग पक्ष है और ऐसे में सरकार जो है वो पूरी तरीके से इस मूड में है कि ये जो विधेयक है वो किसी भी तरीके से पास हो। रामनुज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामनुज, कितने आसार समझे जाए कि ये विधेयक आज विधानसभा से पास हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध है और दूसरी तरफ ये सरकार की पूरी पूरी कोशिश है कि ये विधेयक जो है वो पास हो। शिल्पा, सबसे पहले एक अपडेट बता दूं कि इस समय शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने 2 प्रमुख बातें कही। एक तो विधेयक को लेकर जिस तरह से भ्रांतियां हैं उसको भी सरकार दूर करने के लिए तैयार है। दूसरी बात उन्होंने कही कि चाहे वो तीर्थ पुरोहित हैं या हक हकूकधारी हैं, किसी के हित के साथ सरकार अहित नहीं होने देगी, पूरी तरह से सरकार तीर्थ पुरोहितों के साथ में है। फिलहाल जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पहले ही इस बात को बता चुकी है कि कम से कम सरकार को इस विधेयक लाने के पहले विपक्ष को भी भरोसे में लेना चाहिए था और साथ में पूरे पहलुओं पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करना था, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है और तीर्थ पुरोहितों का से जुड़ा ये मसला है, क्योंकि पूरे प्रदेश में करीब 24,000 तीर्थ पुरोहित हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में पूजा पाठ करीब पीढ़ी दर पीढ़ी कराते आए हैं। तो ऐसे में आज एक बार फिर ये उम्मीद की जा रही है कि जब भोजनावकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो इस पूरे मसले पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि कल ही सरकार ने कहा था कि 2 घंटा का वक्त मुकर्रर किया गया है चर्चा के लिए, यानी विपक्ष अपनी बात सदन में रख सकता है और विपक्ष अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने जी मीडिया को बताया कि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले को प्रवर समिति को दिया जाए, यानी कि वो कमेटी जो अब विधानसभा की होती है जिसमें सत्ता और विपक्ष के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और जो जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए, तीर्थ पुरोहितों के साथ में चर्चा की जाए और इसलिए सदन में चर्चा होने के पहले इसे एक समिति को सौंप देना चाहिए। फिलहाल सदन की कार्रवाई जब अब शुरू होगी करीब 1.5 घंटे के बाद, तो इसमें कांग्रेस की क्या स्टैंड होगा, कांग्रेस क्या विरोध करेगी या चर्चा में शामिल होगी और किस तरह की शिकायत अपनी वो दर्ज कराती है, ये भी महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने जो कहा है
कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में इस साल करीब 32 लाख से अधिक श्रद्धालु आए हैं, तो ऐसे में 2030 तक ये संख्या 1 करोड़ हो सकती है और श्राइन बोर्ड का गठन इस नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी के चलते सरकार इस विधेयक को सदन के पटल पर रख चुकी है। अब इंतजार ये है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो कांग्रेस किस तरह का रुख अख्तियार करती है सदन में और बाहर, चूंकि तीर्थ पुरोहित अब इसका विरोध करते आए हैं, तो ऐसे में यकीनन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तीर्थ पुरोहितों की बात को लेकर के सदन में चर्चा जरूर करेगी, लेकिन किस तरह का उसका रुख होगा, क्या उसकी स्टैंडिंग होगी, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर 3 बजे जब ये कार्यवाही दोबारा से शुरू होगी उसके बाद ये तस्वीर कहीं ना कहीं रामानुज साफ हो पाएगी कि इस विधेयक को लेकर क्या कुछ हो पाता है आगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पढ़ते आगे, देहरादून में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। गोविंद सिंह अल्मोड़ा संस्थान के निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। पूर्व विधानसभा सदस्य के समर्थन में उपनेता सदन करण मेहरा भी धरने पर बैठ गए। तो ये तस्वीरें आपको बता दें, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल बाहर धरने पर बैठे हुए नजर आए और इसके साथ ही उपनेता सदन करण मेहरा भी उनके समर्थन में बैठे। तो विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल चल रही है और ऐसे में शांतिपूर्वक तरीके से वो विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठते हुए नजर आए। और आपको बता दें, धरने का कारण जो था वो कुछ इस तरीके से था कि गोविंद सिंह अल्मोड़ा संस्थान के निर्माण की मांग जो है लगातार कर रहे हैं और उसी को लेकर यह धरना था।